ये देखिए आप, बहुत खूबसूरती इसके अंदर। वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज पटनचेरू में और यहाँ पर बहुत ही कम प्राइसेस के हॉर्सेस बतलाने वाला हूँ मैं आज आप लोगों को। बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो सारी डिटेल हम यहाँ के जो ओनर है तैयब भाई उनसे बात करेंगे और बतलाऊँगा मैं सब चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से तैयब भाई? तैयब भाई, आपके पास आज कितने घोड़ों का न्यू स्टॉक आया हुआ है? मेरे पास 5-6 घोड़े हैं जी के लिए। हाँ हाँ, उसमें मेरे पास पूरे बग्घी के घोड़े पूरे बग्घी के पूरे बग्घी के घोड़े साइज और थोड़ा कम है घोड़ों का, मगर बग्घी के सेल्फ स्टार्ट घोड़े। ओके, साइज कम रहने से रेट कम है आपके पास? और घोड़े हाथ पांव के घटे, यानी जो नए शौकीन हैं उनके लिए एक मौका है, कम प्राइसेस के अंदर लेके शौक कर सकते हैं। ओके, यानी इसके ऊपर राइडिंग सीख गए तो फिर उसके बाद कौन से भी टाइप का, कौन से भी रेट का घोड़ा ले सकते हैं। बिल्कुल, और कंटिन्यू भी आप काम करते हैं ना? जी, कंटिन्यू भी आपका काम है ना? सेल परचेस का काम है अपना, शादी बग्घी घोड़ों का भी कारोबार है। अभी न्यू स्टॉक और आने वाला, ईद के तीसरे दिन 4 तारीख के दिन अपने पास पूरे नुखरे घोड़े रहेंगे इंशाल्लाह। घोड़े जी जी, उसमें 3 मादियां 3 नर घोड़े, 4 तारीख के दिन स्टॉक आने वाला है अपना। ओके, और अभी आपके पास ये भी एक नुकरा ही है, फुलकारी? जी, फुलकारी नुकरा है। ओके, और क्या साइज है इसका? इसका 58 साइज है। 58, और सभी स्टैलियन है, कुछ घोड़ियां भी है? नहीं, पूरे स्टैलियन घोड़े, पूरे स्टैलियन घोड़े ही है। तो इसमें खसी भी नहीं है, गिल्डेड भी नहीं है, पूरा स्टैलियन घोड़े। और एक घोड़ा आपके पास सिर्फ 20,000 का भी है इसके अंदर? मेरे पास एक घोड़ा भी है जी, जो कम बजट के घोड़े चाहिए, जिसको बिल्कुल सस्ता, यानी ट्रेनिंग लेने के लिए, वैसा खुद अपने लिए चलाना, कोई ट्रेनर नहीं रहा, हाँ, अपन भी चला सकते बोले तो वैसे टाइप में मेरे पास एक घोड़ा भी है, यानी उतना ट्रेन भी है और उतना सस्ता भी है। सस्ता भी है, ठीक है, कोई भी लेकर चला सकते हो जी। तो अभी इस घोड़े की हाइट क्या बताया आप? 58 है। 58 हाइट है, और क्या उम्र है इसकी? उम्र इसकी पक्का है, उम्र का जी। तो थोड़ा आप इसको चला के बतलाइए। ये देखिए आप, पैर वगैरह चारों भी साफ है इसके, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा इसके। फुलकारी नुकरा है, अभी बालों की कटिंग कराए हुए है ना? जी, यानी बाल अगर आ जाएंगे तो शाइनिंग और बढ़ जाएंगे इसकी। 58 हाइट है इसकी, कौन सी नस्ल में है ये? सिंधी नस्ल में। सिंधी नस्ल में वाइट घोड़ा है? वाइट घोड़ा। ओके, सिंधी में वाइट बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम मिलेगा। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका आस्किंग प्राइस अपने पास जैसे 55,000 मंगा रहे हैं। 55,000 आपका आस्किंग है, यानी इसमें भी कम हो जाएगा स्लाइटली। ओके, 55,000 में तो देखिए नुकरा घोड़ा कहीं मिल रहा ही नहीं। हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन सिंधी ब्रीड के अंदर है और राइडिंग वगैरह सब चालू है। दोनों घोड़े जोड़ा है बग्घी का, यानी अगर आप सिंगल भी बग्घी में लगाए तो चलेंगे? चलेगा, सिंगल ही चाली हुए, मैं इसको दोनों को लगाकर ट्रेन करवा हूँ। सेल्फ स्टार्ट घोड़े, आप गाड़ी में लगाइए, जरा आगे बढ़ाइए, खुद ब खुद दोनों घोड़े एक साथ चलेंगे। अच्छा, यानी जोड़ी मिली हुई है, यानी एक साथ में अगर बग्घी में लगा भी देंगे तो जोड़ भी निकल जाएंगे आगे। ओके, नेक्स्ट में ये जो घोड़ा है आपके पास, इसकी क्या डिटेल है? ये मारवाड़ी घोड़ा है। मारवाड़ी घोड़ा है, और क्या उम्र है इसकी? 57 आएंगी। और ये भी स्टैलियन है? स्टैलियन घोड़ा है, अबलक बोलते हैं, खुला अबलक है, बिल्कुल खुला अबलक है। आपको हाथ पांव घट घोड़ा है, बिल्कुल गाड़ी का तो इतना सेल्फ और इतना घट चालू है, ये 6-8 आदमी भी बैठे हुए तो घोड़ा खींच के लेके चल जाए। अच्छा, यानी अच्छी खासी ट्रेनिंग करी हुई है इसकी जी जी। क्या प्राइस है इसका? इसका जैसे 50,000 आस्किंग प्राइस, ये भी कम हो जाएगा स्लाइटली नेगोशिएबल है। थोड़ा इसको भी चला के बतलाइए। ये देखिए आप, चलने करने में कहीं भी कोई भी घोड़ों के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चारों पैर भी साफ है इसके भी। कलर भी बिल्कुल खुला है, एकदम अट्रैक्टिव कलर है। चलिए, इसके बाद में एक और है आपके पास, आगे ले लेंगे ये वाला। ये कोल्ट है या स्टैलियन है? स्टैलियन है, स्टैलियन है, लेकिन काला अबलग और बहुत खूबसूरत भी। नेक्स्ट में आपके पास ये एक है स्टैलियन, और ये खुला अबलग है, देखिए ये भी काले कलर के अंदर काला अबलग। चेहरे पे सिर्फ टीका है इसके, और बॉडी स्ट्रक्चर देखिए एकदम साफ है। क्या उम्र होंगी इसकी? उम्र ये भी पक्का है, ये भी उम्र का पक्का है। और क्या हाइट है इसकी? 58+ हाइट रहेंगे। 58+ आएंगे, और शाइनिंग वगैरह एकदम साफ है। चारों पैर देखिए, इसके भी पैर साफ है। राइडिंग के लिए तो बहुत भारी घोड़ा है ये। कौन सी नस्ल में है? जी हाँ,
नस्ल, मारवाड़ी नस्ल में, मारवाड़ नस्ल में। कान देखिए बिल्कुल कान मिले हुए, बग्गी का चालू घोड़ा है ये भी, बग्गी का चालू है, बग्गी या टांगा। और शादी बारात के तैयार है लोग जी? हाँ, शादी बारात के चालू है अपने घोड़े पूरे, शादी बारात के लिए भी चालू है। थोड़ा इसको भी चला के बतलाइए। देखिए अब चारों पैर इसके भी साफ है, चलने में इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए शौकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल कम प्राइसेस में यहाँ पर हॉर्सेस अवेलेबल है। आप इसके ऊपर ट्रेंड होने के बाद अपना शौक़ फिर बढ़ा सकते हैं, आगे जाके और भी ज़्यादा बड़े घोड़े, बड़े हाइट में, बड़े प्राइसेस वाले घोड़े ले सकते हैं। प्योर मारवाड़ में देखिए कान की क्वालिटी वगैरह इसकी एकदम साफ है। कलर सबसे मेन बहुत अट्रैक्शन है इसके अंदर, यानी जो खूबसूरती है कलर की, ब्लैक एंड वाइट घोड़ा हमेशा हर कलर वाले घोड़ों से आगे दिख के आता। वाइट जैसे नुकरा फेमस है तो ब्लैक एंड वाइट जो काला अबलग होता है ये भी बहुत खूबसूरती में आते हैं। आप देखिए कलर इसका एकदम साफ। क्या प्राइस है तैयब इसका? इसका भी अपन 50,000 आसिंग लग रही है। 50,000 इसका भी आसिंग प्राइस है, और 50,000 में तो अभी बच्चे मिल रहे हैं जी। हाँ, यानी आपके पास ट्रेंड मिल रहा है सिर्फ हाइट की वजह से। हाइट की वजह से भी, और काफी लोग महंगे घोड़े बेचते हैं, थोड़ा बहुत हाइट से ज्यादा क्या है तो इसको हम आम खास करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे तेलंगाना में जैसा घोड़ों की वैल्यू हुई है जी। इंशाल्लाह घोड़े भी हम कम प्राइस में, और इंशाल्लाह शौक बढ़ेगा इंशाल्लाह हर पेट्स का। जैसा 15 मई को कॉम्पिटिशन और शो भी होने वाला है कुली कुतुब शाह स्टेडियम हाईकोर्ट के बिल्कुल सामने ग्राउंड में, तो स्टेडियम है वहाँ पर आइए आप लोग सारे जो व्यूअर्स हैं। तो ऐसे लोग जो शौक बढ़ाने कर सकते हैं। 21 महीने का एक बच्चा है नुकरा, 21 महीने का सिर्फ, 21 महीने का अभी दो दांत हुआ भी नहीं है बच्चा। ओके, 62 हाइट में, 62 हाइट है, हाइट है। ओके, फुलकारी नुकरा है जी जी। इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊंगा इंशाल्लाह आपके शो में। तो ये जो 50,000 है आपका आस्किंग प्राइस, इसमें भी कम करेंगे आप? इंशाल्लाह स्लाइटली निगोशिएबल रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं इसमें जी, स्लाइटली निगोशिएबल। इसमें सब 2-4 हज़ार का कारोबार है अपना जी जी, फिर भी बहुत कम प्राइसेस बतला रहे हैं आप। हकीकत में लोगों का शौक बढ़ाने का काम है। देखिए कहीं कोई पैर के अंदर टेंडन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों के, कहीं कोई मुठ्ठे पुठे वगैरह नहीं है इसके अंदर, पानी वगैरह भी भरा हुआ नहीं है, एकदम साफ है। कान की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, जैसे मैं आप लोगों को बताया था 50,000 सिर्फ इसका आस्किंग प्राइस है, ये नेगेशियबल पे रहेगा। इसके बाद एक और घोड़ा है वो बतलाऊंगा नेक्स्ट में। तो ये भाई आपके पास फिर ये एक घोड़ा है और ये लास्ट वाला है, इसके बाद मैं शो क्वालिटी का एक कोल्ड बतलाऊंगा। यहाँ पर एक मक्खी संजाब है घोड़ा, वो जो सोल्ड आउट हो गया वो भी देखेंगे। तो ये भाई इसकी डिटेल बतलाइए, यानी जो स्टार्टिंग में बतलाए थे आप, सबसे कम प्राइस इसी का है। क्या प्राइस है इसका? सिंधी घोड़ा है, सिंधी है, सिंधी जात का घोड़ा है। ज़्यादा इसमें पाँव में छोटा फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? थोड़े पाँव दोनों पर बैठने आए, सिर्फ बैठे हुए हैं, बैठी हुई है। चलने करने में, चलने करने में आपको एक नंबर है घोड़ा। घोड़ा ये यहाँ पर ये घोड़ा बना हुआ था वहाँ खेत में जी, बच्चे लेके जैसे पीछे इसको लकड़ियों से मारे थे। अच्छा, तो इससे कमर में दर्द बहुत था। घोड़ा कमरी नहीं है जी, उसका फुटा बैठा हुआ है, फुटे का है। अच्छा, कोई लात में आप गुस्सा हो, आपको ही कुछ करने वाला नहीं है। यानी शरीफ है, स्टैलियन देने के बावजूद भी शरीफ घोड़ा है, एकदम शरीफ है घोड़ा जी। ये कम प्राइस में देने की वजह ये है कि हमारे पास अपने पास जो है ज्यादा बहुत कम ज्यादा कॉल आते हैं कि भाई कम प्राइस का कोई घोड़ा है तो बताइए। हकीकत है यानी कम प्राइस रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट मिल ही जाएगा, लेकिन राइडिंग का परफेक्ट है तो लोगों का नुकसान नहीं हो सकता। बच्चे को भी आप कुछ भी कर लीजिए, घोड़ा कुछ करता नहीं है बिल्कुल। अरे घोड़े मैक्सिमम पीछे के पैर से मारते हैं, अब जैसे तैयब भाई हर जगह से इसको हाथ लगा के बतला रहे हैं, कोई चीज का कोई टेंशन नहीं है इसमें। क्या हाइट है इसकी? हाइट 60 आएंगे, 60 हाइट है इसकी। ओके, और सिंधी में, सिंधी जात में कुमेत कलर का घोड़ा है। ठीक है, और इसका प्राइस सिर्फ 20,000 रुपए है। ये फिक्स रहेगा कुछ है? नहीं जी, ये फिक्स प्राइस है 20,000 में। ये मैं जहाँ मुझे मिला कम प्राइस में मिला, इसलिए मैं कम प्राइस में शॉर्ट रोल कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा प्रूफ के लिए इसकी राइडिंग भी बतला देंगे नेक्स्ट में। देखिए आप, ये राइडिंग वगैरह सब चालू है इसकी, राइडिंग है सब चल रही है इसकी, सिर्फ पुठे बैठे हुए हैं लेकिन राइडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन शरीफ है घोड़ा है, तो आप लोग इसके लिए स्पेशली परचेस कर सकते हैं। जो नए शौकीन है, थोड़े दिन आपका शौक हो गया फिर यही रेट में आराम से ये बिक भी जाता। सिंधी है, देखिए कान जैसे दूर आते सिंधी के, पटनचेरू का एड्रेस है। और एक है भाई के पास यहाँ पर मक्की संजाब, ये घोड़ा सोल्ड आउट हो गया ना तैयब में? ओके, कौन सी नस्ल में है? मारवाड़ नस्ल में, मारवाड़ में है। कितने में सोल्ड आउट हुआ है? 55,000 में, मक्की संजाब है ना, संजाब है।
और घोड़ा भी, ये भी शरीफ है राइडिंग के लिए जी। दो पांव पे चलता घोड़ा राइडिंग में। अच्छा, पीठ पे बिठा के, पीठ पे बिठा कर। ओके, यानी नाच काम में जैसे उठ के दो पैर पे चलता वैसा चलता। मैं अभी बताता था आपको, मेरा छोटा भाई नहीं है जी। ठीक है, चलिए आपके पास जो ऊपर कोल्ट है वो देखेंगे एक नजर। चलिए, तो ये भी इसमें आपके पास लास्ट ये घोड़ा है जो शो क्वालिटी में, क्या हाइट है इसकी और क्या एज है? इसकी उम्र अभी 23 महीने है। सिर्फ 23 महीने। और क्या हाइट है? 62 हाइट है। सुन छोड़ के, सुन अगर मिला के लगाएंगे तो 63-64 इसकी हाइट आ जाएंगी। अभी कोल्ट है, देखिए अभी जी बिल्कुल, यानी और कहाँ तक हाइट कर सकता है? इंशाल्लाह भी एक 2-3 इंच, यानी 65 के आसपास तो जमीन से आ जाएगा, इंशाल्लाह। देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली वाइट है और फुलकारी नुकरा है, कोल्ट है भी। ये है सेल के लिए आपके पास? नहीं, ये सेल के लिए नहीं है। थोड़ा एक बार चला के बतलाइए। देखिए अब हाइट लेंथ बहुत शानदार है अभी से, चारों पैर भी साफ है एकदम। इसके राइट के पैर में क्या हुआ था? उसको गाड़ी में आने के टाइम पर मार लगा था भाई, कि गाड़ी में जैसे 6 घोड़े आए थे जी जी, तो इसमें घोड़ा तो खराब निकला, घोड़े को मार लगा। ये देखिए अब बहुत खूबसूरती इसके अंदर, चेहरा देखिए आप इसका, बिल्कुल बारीक एकदम प्योर मारवाड़ क्वालिटी का घोड़ा है, फुलकारी नुकरा है, बिल्कुल पतले चेहरे के अंदर बारीक। अभी कोल्ट है सिर्फ, राइडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई होंगी इसकी? कुछ भी नहीं हुई अभी, बिल्कुल बिल्कुल गुलाबी फुलकारी नुकरा है, एकदम साफ है। चलिए ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा, जो इंटरेस्टेड हो बिल्कुल सस्ते घोड़े लेने के लिए तो यहाँ पर अवेलेबल है, तैयब भाई के पास डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।